हेलो, दिस इज दीपाली एंड वेलकम टू द एडिटोरियल सेशन। जैसे कि हम रेगुलर अपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं, तो उसी सीरीज में आज का ये टॉपिक, और मैं इसमें कल के भी टॉपिक्स को इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज कल ये एडिटोरियल सेशन नहीं आया था। तो इसमें आप देखोगे, सबसे पहला आर्टिकल है फाइनेंसिंग सिटीज़ G20 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा। तो इसमें क्या बात करी जा रही थी, इसमें फाइनेंसिंग की बात करी जा रही थी जो हमारी सिटीज़ थी। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा जो सिटीज़ के लिए दिया गया है उसकी बात करी जा रही थी। तो इसमें देखिए, आप जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको पहले बताती हूँ, चलती हूँ। यहाँ पे बोला गया था, इंडिया हैज़ मेड कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ फोकस एरिया। देखो, हमने मेजर जो अपना फोकस एरिया रखा है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको वो मीट करना है G20 की प्रेसिडेंसी जब हमने होल्ड करी है। तो इसमें जो हमारी चूजन थीम है G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो क्या है, फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो, अनसस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड रिजाइलेंट। तो ये हमारी एक फ्लैगशिप प्रायोरिटी है G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के अंदर। अब देखो, यहाँ पे फर्दर बात करते हैं तो बोला गया है कि जो एलिमेंट्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, वो कुछ प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करेंगे जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करेंगे, मतलब उसका बेस्ट यूज़ करेंगे, प्लस उसकी सर्कुलैरिटी कैसी है, और जो हमारा लाइफ मिशन है जो हमने अपनी COP27 में दिया था, COP26 में लाइव जो हमारा इनिशिएटिव है उसको भी प्रमोट हम इसी के थ्रू करेंगे। अब आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग फटाफट कॉमेंट सेक्शन में इस लाइव का फुल फॉर्म बताते हुए चलिएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट सबसे बड़ा इशू निकल कर आता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसका एनवायरनमेंट से हो जाता है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसी वजह से हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिए गए हैं उसमें से एक अर्बन सिटी का भी गोल आपको दिया गया है। अब देखो, इसमें यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ साथ और भी हमारे इश्यूज़ हैं जो हमको एड्रेस करने हैं सिटीज़ में, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है हमको, क्रिएट करना है पॉलिसी एनवायरनमेंट के लिए, इम्प्रूव करना है क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ सिटीज़ एंड ऑल्सो अ पाइपलाइन, ठीक है, जो पाइपलाइन की प्रॉब्लम होती हैं उसके साथ साथ जो सस्टेनेबल बॉन्ड्स हैं, कैपिटल मार्केट है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हैं रखी गई हैं इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, इन सबको फुलफिल करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल लेवल पे भी और सब नेशनल लेवल पे भी। अगर हम बात करते हैं नेशनल और सब नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होने वाली हैं उसमें हम सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे फ्रंट लाइन के थ्रू, मतलब फ्रंट लाइन पर हम अपनी सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन को रखेंगे, उनकी जो लोकल अर्बन सर्विसेज हैं उनको अच्छा और डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, ऑगमेंट करेंगे कैपेसिटी को उनकी ताकि वो कोप कर पाएँ फ्यूचर्स जो सिटीज़ के एसेंशियल्स हैं उनसे, ठीक है, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएँ। और उसके साथ साथ हम जनरेट करेंगे ओन रेवेन्यूज़, ठीक है, यहाँ पर लिखा है जनरेट ओन रेवेन्यूज़ एंड रिंग फेंस देम, एक्सेस फिनेंशियल मार्केट, मॉनिटर प्रोजेक्ट थ्रू द लाइफ साइकिल। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप कोट डाउन कर सकते हो अपने आंसर में। अगर कभी भी अर्बनाइजेशन पे कोई आंसर आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप इन सारे पॉइंट्स को अगर आप जॉट डाउन करोगे तो उससे आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई देगा। उसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करते हैं अर्बन प्लानिंग की, जो कि नेशनल क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान के थ्रू होगा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये जो PPP का कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन कोड्स, इन सारी चीज़ों को हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। और अब की बार जो इंडिया है वो IWG के कॉन्सेप्ट से काफ़ी ज़्यादा आपकी जो अर्बनाइजेशन को है उसको बढ़ा रहा है, इसलिए उसने बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स भी निकाले हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे आप देख रहे होगे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इन अहमदाबाद,
उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो आप यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स खुलते हुए देखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। उसके साथ साथ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आपको यहाँ पे इशू करते हुए दिखाई देंगे इन द वडोदरा डिस्ट्रिक्ट एंड इंडियाज़ नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क जो NUPF है वो 2018 में फॉर्मुलेट करी गई थी। वो एक एग्जाम्पल आपकी शेयर्ड विजन का, जिसमें सिटीज़ को आप देखते हो वो अकोमोडेट करते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ ऑफ द सिटीज़, मतलब वो अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स निकाल कर लाते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे बहुत सारे लर्निंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन द अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन जो है वो भी यहाँ पर आप देखोगे। तो ये अमृत मिशन का आप फुल फॉर्म याद कर सकते हो फॉर योर CDS एंड CAPF एग्जामिनेशंस। और उसके साथ साथ स्मार्ट सिटीज मिशन भी लाया गया है एंड हाउसिंग फॉर ऑल पी में जो कहते हैं जिसको हम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं एंड मेनी मोर थिंग्स की जा रही हैं। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, हमको इंडिया को एक्ट करना है एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसलिए हमारे जो एम्बिशंस हैं, जो हमारे ग्रोथ इम्परेटिव्स हैं, उसमें हमारे ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। जो हमारे मिशंस होने चाहिए वो कुछ इस तरीके के होने चाहिए कि अगर हम एज अ ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर आना चाहते हैं तो वो हमारे काम के थ्रू दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप अगर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उन सारे पॉइंट्स को आप एक बार फर्दर अपनी साइड से भी कंप्लीट कर लेना। जैसे कि जो G20 में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप जो है वो रखा गया है ध्यान में, तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना। उसके साथ साथ आप सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड रिजाइलेंस जैसे जो की वर्ड्स हैं, जो 3 पिलर्स ऑफ द सिटीज़ हैं, उसको ज़रूर पढ़ लेना। उसके साथ आप यहाँ पे जितने भी अहमदाबाद ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कॉरिडोर जो बना था और स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, वडोदरा में आपका म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो इशू किए गए हैं, NUPF के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ पे आपके आ सकते हैं प्रिलिम्स के क्वेश्चन। अमृत मिशन के बारे में पढ़ लीजिए, स्मार्ट सिटी PM में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और मेंस पर्सपेक्टिव से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ IR में भी आपका GS Paper 3 में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन विच इज़ अ टॉपिक ऑफ GS 1, यहाँ से आप GS 3 की भी टैकलिंग कर सकते हो आसानी से और इसी के थ्रू आप लिंकिंग भी कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स की। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आती है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट? तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, कि हम अपनी स्कीम्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लाइक अमरुत हृदय, ये सब जो स्कीम्स हैं उनको किस तरीके से हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी दोनों ही जो है उसको लिंक आउट करके निकाल रहे हैं। यानी पैसे का यूज़ तो कर रहे हैं पर किस तरीके से हम सोशल डेवलपमेंट भी कर पा रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हैं। उसके साथ साथ आपका सेकंड कंपोनेंट होता है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का, दैट इज़ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन ऑर्डर टू अवॉइड रिस्क एंड डैमेज। अगर आपको रिस्क और डैमेज को अवॉइड करना है तो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हमको होना पड़ेगा और उसके लिए हमको रिजाइलेंस बिल्ड करना पड़ेगा नेचुरल डिजास्टर्स से, ताकि जो नेचुरल डिजास्टर्स कॉज हों उससे हम बच सकें। किस तरीके से हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें कि हम इन सारी चीज़ों से बच पाएँ और कम से कम जो हानि हो वो हो पाए। नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन आर इंक्रीजिंगली बींग कंसिडर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, है ना? तो एक तो अब हमको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है, दूसरा हमको इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है, तीसरा हमें सोशल सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना है, यानी हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है हमें हर एक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को एक साथ लाना है और सबका म्यूचुअल जो है डेवलपमेंट करना है, ना कि रादर एक किसी वर्ग का। तो हमको जो
बॉटम अप अप्रोच होती है उसे अपनाना है, अ सेफ सोसाइटी रूल्ड बाय रूल ऑफ लॉ। और हमको ये जो आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है वो होता हुआ दिखाना है, तभी हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको यह अर्बनाइजेशन का मेरे जितने बताए हुए पॉइंट्स हैं इन्हें आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो अमृत स्मार्ट सिटी एंड पीएम में NUPF जैसे मैंने जो इम्पोर्टेंट आपको स्कीम्स वगैरह बताए हैं उनको आप ज़रूर एक बार अपने साइड से पढ़ ज़रूर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पोषण माह चल रहा था, तो पोषण माह चल रहा है, तो पोषण माह जो है ये आपका 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा 2023 तक। और इसमें क्या है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत एंड सशक्त भारत, ये जो थीम है। अब इस पे बेस देखो, मैंने ये पीएम पोषण की वेबसाइट से ही निकाला हुआ है, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, या इस ये इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, अर्लियर नोन एज नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील, जिसको पहले नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील कहा जाता था स्कूल्स में। और आपको पता है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। इसको भी आपको याद रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। इसमें क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है इस स्कीम का कि हमको न्यूट्रिशनल स्टेटस को बच्चे की इसको इम्प्रूव करना है, और वो भी उन बच्चों की जो 1 से लेके 8वीं क्लास तक पढ़ते हों, 8 से लेके 8वीं कक्षा तक के बच्चों की हमें न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना है। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स आर टू एड्रेस द टू ऑफ द प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर मेजोरिटी ऑफ द चिल्ड्रंस इन इंडिया, दैट इज हंगर एंड एजुकेशन। आपको पता है अगर आप ग्रास रूट लेवल पर जाओ तो आप दो चीज़ों को नहीं देखते हुए पाओगे जो फुलफिल नहीं हो रही हैं, दैट इज हंगर एंड एजुकेशन। ये दो चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और उसी को हमको इम्प्रूव करना है। तो आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट से हैं। एक तो है इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रंस इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, हमको न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है उन सभी स्टूडेंट्स का जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ पुअर चिल्ड्रंस को इनकरेज करना है जो बिलोंगिंग टू द डिसएडवांटेज सेक्शन टू अटेन स्कूल मोर रेगुलरली एंड हेल्प देम कंसनट्रेट ऑन क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम उनका कंसनट्रेशन लेवल बढ़ाएंगे, और किस तरह बढ़ाएंगे, इसी मिड डे मील के थ्रू ही बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन ऑफ इम्प्लीमेंट्री स्टेज इन ड्रॉट अफेक्टेड एंड डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। तो वो समर वेकेशन के टाइम पे जो ड्रॉट अफेक्टेड और डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज होते हैं उनमें हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स देंगे चिल्ड्रंस को। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल था पीएम पोषण, एज जैसे कि ये महीना चल रहा है तो इस पे आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है। मैं सिर्फ सीएससी के पर्पस से नहीं कह रही हूँ, और सभी एग्ज़ाम जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपका ये आ सकता है। इम्पॉर्टेंट है, एक बार इससे गो थ्रू ज़रूर होइएगा, और सीएससी के पर्पस से ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे पॉइंट्स। नेक्स्ट, ये स्पेशी आपकी न्यूज़ में थी हुलॉक गिब्बन। ये हुलॉक गिब्बन जो है ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो हुलॉक गिब्बन सैंक्चुरी एक बनाई गई है जो कि कहाँ पे है, असम में है, होम टू इनडेंजर्ड वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन्स। देयर आर टू टू रिकॉग्नाइज स्पीशीज ऑफ हुलॉक गिब्बन फाउंड इन इंडिया। तो हुलॉक गिब्बन की आपको दो स्पीशीज मिलती हैं, वन इज इन ईस्टर्न हुलॉक गिब्बन, दैट इज हुलॉक ल्यूकोनिडस कहते हैं, एंड अदर इज वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन। ठीक है, तो ये दो स्पेशीज हैं। उसके साथ साथ ये कैसे क्रिएचर्स होते हैं, ये अर्बोरियल होते हैं। अर्बोरियल का मतलब है ये पेड़ों पे रहने वाले होते हैं। आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव वोकलाइजेशन एंड ट्री ड्वेलिंग बिहेवियर, बिकॉज ये ट्री पे रहते हैं इस वजह से इन्हें अर्बोरियल कहते हैं। और सेंचुरी कवर करती है अप्रॉक्सीमेटली 20.98 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया, और इनिशियली ये 1881 में बनी थी।
इट्स फॉरेस्ट यूज टू एक्सटेंड द फुटहिल्स ऑफ पटकाई माउंटेन रेंज। तो आपको ये याद रखना है कि हुलॉक गिब्बन आपकी कौन सी है, स्पेशली ये याद रखिएगा। और एक इसके साथ साथ ये भी पॉइंट पढ़ लीजिए, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज ओनली नॉकटर्नल प्राइमेट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न का अकेला प्राइमेट है जो नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है, जो रात में जगता है। ठीक है, द बंगाल स्लो लोरिस, ये है आपका द बंगाल स्लो लोरिस। आप इसका नाम याद रखिएगा, दिस इज द ओनली नॉकटर्नल प्राइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द बंगाल स्लोरिस। ओके, नेक्स्ट आपका ये पीएसएलवी और एसएसएलवी का इंडिया टुडे में बहुत अच्छा सा एक डिफरेंस आया था, ये आपके डिफेंस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डिफरेंस को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या है पीएसएलवी, क्या है एसएसएलवी। तो देखो, जो पीएसएलवी है उसकी हाइट इज़ मोर देन एसएसएलवी, तो ये आपका सीएससी में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और आप सबको पता है कि अब बहुत ज़्यादा जो एक ट्रेंड में चीज़ आ गई है ओनली वन ओनली टू वाली, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी आप इसको थोड़ा सा नॉलेज इसकी ले लो। हाइट की अगर बात करते हैं तो पीएसएलवी की हाइट ज़्यादा है एसएसएलवी से, डायमीटर भी ज़्यादा है एसएसएलवी से, बिकॉज एसएसएलवी इज़ अ स्मॉल। ठीक है, उसमें नाम में ही स्मॉल है। अगर नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करते हैं तो पीएसएलवी में ज़्यादा आपको मिलेंगे, दिस इज़ अ फोर स्टेज, दिस इज थ्री स्टेज। लिफ्ट ऑफ मास भी ज़्यादा ही होगा, पेलोड भी ज़्यादा ही होगा अगर हम पीएसएलवी की बात करते हैं। और टर्न अराउंड टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम ऑफ दिस इज ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट कब हुआ था इसका, 1993 में 20 सितंबर को हुआ था, जबकि इसका अभी लेटेस्ट है 2022 में ही हुआ है। इस वजह से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको तैयार कर लेना। इसी के साथ ये आपका लास्ट आर्टिकल था, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में मैंने कवर किया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, और जितना हो सके शेयर कर दिया करो। मैं अभी कम आर्टिकल्स लेके आती हूँ, बिकॉज़ इस वक्त न्यूज़ भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आ रही थी, लेकिन यही जो टाइमिंग है ये मैं बढ़ाऊँगी और ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करूँगी, जिसमें आपके और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इंक्लूड करने की कोशिश करती रहूँगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।